सुबह सुबह खेलने में कितना मजा आता है। दोजक में तो कंबल होता ही नहीं है, तो फिर तुम चुराएंगे कैसे? खाक मर्जी है, अरे उसने तो मुझे बीच में कद्दू की तरह लटका के छोड़ दिया। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उसने मुझे इन्ना से बना के छोड़ दिया। सच कहते हैं लोग, तुम्हें बात करने की जरा भी सलीका नहीं है। जितना तेरा ओछा कद है उतनी तेरी ओछी जुबान भी है। ये छोटे मियाँ को सलीका सिखाने वाले। अरे क्यों मियाँ, इसकी जान लोगे क्या? हाँ मैं इसकी जान लूंगा। अगर तुमको इस पे राम आ रहा है ना तो तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, इसको छोड़ दूंगा। क्या कहा? काली मुर्गी मर गई है। आप ही ने कहा ना कि वो रोजाना एक अंडे देती है, तो मैंने समझा कि उसके पेट के अंदर अंडों का खजाना है, तो क्यों ना वो खजाना एक ही बार निकाल के खान चाचा को दे दूं। आपा, ये खान चाचा ने छोटे मियां का कान क्यों पकड़ रखा है? आपने मेरे बच्चे का कान क्यों पकड़ रखा है? किसी ने सच ही कहा है, मूर्ख को मारना आसान है और समझाना मुश्किल। अरे भाई तुम बेवकूफ को समझाते समझाते झने बाबा बुद्धि हो गई, लेकिन ये नहीं समझा है। भगवान भी कितना लापरवाह है, बेचारी आपा का औलाद भी दी तो आधी पागल। इस दुनिया में कभी किसी को गरीब मत बना, और मैंने ऐसी औलाद दे कि जिसका फिक्र पैसा को नहीं। अरे भाई छोटे मियाँ क्या हाल है? तुमने कभी अपने अब्बा का हाल भी पूछा है? जो मेरा हाल पूछ रहे हो? बड़े आए हाल पूछने वाले, एक तो मुझे काम नहीं मिल रहा है, दूसरे जो मिलता है हाल पूछ के निकल लेता है। अबरू खोदने का काम? अरे हाँ भाई, इतना बड़ा गांव है, रोज एक आधा तो मरता ही होगा। एक आध को तो मारो ताकि मेरी रोजी रोटी चले। अरे जब से मैंने कब्र खोदने का धंधा शुरू किया है तब से लोगों ने मरना बंद कर दिया। ओ आप समझा तो तुम कब्र खोदा बन गए हो। गली मेरी माँ सुने रे गोटे। अरे हाय हाय छोटू मियाँ, हमने सुना तुम्हारी शादी हो रही है। अरे हाय हाय, तो ये बात है, हमें भी खिला दो ना अपने छोटे छोटे दो गुलगुले अपने होने वाले बच्चे की खुशी में। लगता है ये भोभो मेरे गुलगुले पकोड़े जरूर खरीदेगा, तभी तो ये मेरे पास दूध हिलाता हुआ आया है। हाँ अच्छा समझ गया, तेरी पलके झपकाने का मतलब है तू इसकी जमानत लेता है। चलो मेरे बाप का क्या जाता है, मुझे तो पैसे से मतलब है, चाहे तू दे चाहे ये दे, ले भोभो खा, 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 खा। अच्छा भाई ढिचक दू? कहो चार पैसे तैयार रखना, मैं कल इसी वक्त आऊंगा अपने पैसे लेने। हाय अल्लाह, क्या हुआ आपकी नाजुक तबीयत को? वो क्या है बेगम के, आज मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये दबाओ, ये दबाओ, ये दबाओ, ये दबाओ। ग्राहक को अब तू मेरे सामने झूठ भी बोलने लग गया है? तू क्या समझता है मैं कुछ नहीं जानती? अरे मुझे बंसी ने सब कुछ बता दिया है, तूने वो गुलगुले पकोड़े किसी ग्राहक को नहीं बल्कि किसी कुत्ते को खिला दिए। या गफूर रहीम, तू रहम कर और इस नासमझ को समझ अदा फरमा। इसी लाठी से मार कर उस लंबू को लंबा ना कर दिया तो मैं भी अपने बब्बा नवाब हैदर अली का बेटा नहीं। अबे इधर उधर क्या देखता है, मेरी तरफ देख के शराफत से बात कर और मेरे पैसे निकाल। अरे ओ कुत्ते की औलाद। अरे पकोड़े लाल, वो तो छोटे मियां है नी, उस दिन तू मेरा मटका लेकर भाग गया था। अरे झूले लाल की कसम, आज मैं अपना मटका वसूल करके आऊंगा। पकड़ लिया, सही पकड़ लिया। अरे कुत्ता छोड़, कुत्ता छोड़। अबे तुझे कुत्ता बोला? मैं पकोड़े लाल हूँ, पकोड़े लाल। खाने में क्या देख रहा हूँ, एक गधा दूसरे गधे को खींच कर आ रहा है। चल। अरे भाई छोटे मियाँ, छोटे मियाँ जी, इस बेचारे को कसाई खाने ले जाकर आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, वो इसे नहीं खरीदेंगे। एक काम करो, मेरे जो तेल के बगैर दो मटके हैं इन्हें उठाकर अपने गधे पर रख कर मेरे घर पहुंचा दो, मैं तुम्हें दो पैसे दूंगा। देखिए ये मैंने ऐसे करके रखा ना। क्या तूने मेरा दूसरा मटका भी तोड़ दिया। अरे बाबा,
अरे मेरी पकौड़ी बढ़ गई रे बाबा, मेरी पकौड़ी बढ़ गई। अरे